साल 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच बंद कर दी गई है। वजह है, श्रीलंकाई पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। दरअसल श्रीलंका क्रिकेट टीम पर आरोप थे कि उन्होंने मैच फिक्सिंग कर भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल जानबूझकर हारा। इसके बाद श्रीलंका के मौजूदा खेल मंत्री महिंदा नंदा अलुथग मगे ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को कटघरे में खड़ा करते हुए जांच की बात कही थी। जांच शुरू हुई और श्रीलंका में खेलों की जांच के लिए बनी फोनेस्को इकाई ने उस समय के चयनकर्ता अरविंदा डी सिल्वा, कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने और सलामी बल्लेबाज उपुल थरंगा के शक के आधार पर पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी तरह का मैच फिक्सिंग सबूत नहीं मिला और पुलिस ने जांच को बंद करने का फैसला लेते हुए शुक्रवार को इस पर रोक लगा दी। पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई सबूत उन्हें नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके या फिर जो ये साबित करता हो कि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारत को जीत दिलाने में मदद की थी। पुलिस के विशेष जांच विभाग ने कहा कि हम यह रिपोर्ट खेल मंत्रालय के सचिव को भेज रहे हैं जिन्होंने हमें निर्देश दिया था। हमने अंदरूनी चर्चा के बाद जांच समाप्त कर दी है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेट टीम को फाइनल में भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 274 रन बनाए जिसमें माहेला जयवर्धने ने 103 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। इसके जवाब में खेलते हुए भारत ने उन्हें 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम की तरफ से गौतम गंभीर ने 97 और महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 91 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ इस मैच से दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। युवराज सिंह ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन किया और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। जयवर्धने से भी पूछताछ हुई मगर खास बात यह है कि उन्होंने इस मैच में शतक जड़ा था। भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ इस मैच से दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। दरअसल 9 साल बाद ये मुद्दा जबरन उठाने के पीछे श्रीलंका की राजनीति परिस्थितियां जिम्मेदार नजर आ रही हैं। पिछले कुछ समय से श्रीलंकाई अखबारों में आगामी 5 अगस्त को संगकारा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने की खबरें आ रही हैं। हालांकि संगकारा ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन इस बार संगकारा ने 2018 की तरह इन्हें खारिज भी नहीं किया। श्रीलंका में क्रिकेट को लेकर ठीक वैसी ही दीवानगी है जैसे भारत में देखी जाती है। ऐसे में अगर संगकारा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसके उलट अगर उनकी छवि पर फिक्सिंग का मामूली सा दाग भी लग जाता तो ये मुद्दा चुनाव तक खिंच जाता, तो संगकारा के विरोध में माहौल बनता। जयवर्धने ने भी अपने ट्वीट से इन आरोपों के व्यवहारिक से ज़्यादा राजनीतिक होने का इशारा उसी समय कर दिया था। जयवर्धने ने ट्वीट किया था कि क्या चुनाव आने वाले हैं, ऐसा लगता है कि राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है, नाम और सबूत दीजिए। अलुथग मगे के आरोपों के बाद जांच चालू होते ही श्रीलंका में एक विपक्षी दल सामागी जना वाला विज्ञा ने उनके समर्थन की कमान संभाल ली थी। एसजेबी के युवा संगठन सामागी तरोड़ा बाला विज्ञा ने खेल मंत्रालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया था और कई अन्य जगह भी संगकारा के समर्थन में प्रदर्शनों का आयोजन किया था। एसजेबी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार सचित प्रेमदासा ने भी ट्विटर पर संगकारा का समर्थन किया था। प्रेमदासा ने लिखा था कि कुमार संगकारा और हमारे 2011 के अन्य क्रिकेट नायकों का लगातार उत्पीड़न बंद होना चाहिए। सरकार का व्यवहार असहनीय है। माना जा रहा है कि संगकारा एसजेबी की तरफ से ही चुनाव में उतरने जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।